सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजेस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी मसाला की रेसिपी। इसे आप चिकन निहारी और मटन निहारी दोनों में यूज कर सकते हैं। इतने मसाले में आप 1 किलो निहारी आराम से बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। निहारी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून काला जीरा, 7 से 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 जावित्री, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 स्टार एनिस और 2 तेज पत्ते। और मैंने लिया है 4 से 5 साबुत लाल मिर्चे, 1 टुकड़ा सौंठ का, 1/3 हिस्सा जायफल का, 1 टीस्पून काली मिर्च, 5 हरी इलायची, 3 पिपली। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये निहारी मसाले का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब हम सारे साबुत खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने रखा है बिल्कुल लो पे। अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले। अब हम खड़े मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से जो हमारा मसाला है उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हमारी निहारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। खड़े मसाले हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे। खड़े मसालों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। निहारी मसाला बनकर हमारा तैयार है। आप इसे 2 से 3 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली निहारी बना रहे हैं तो आप मसाले में नमक ऐड ना करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।